खबर यूपी के प्रतापगढ़ जिले से, जहां कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार आराधना मिसमोना के खिलाफ अखिलेश यादव ने चुनाव मैदान में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। इसके अलावा कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने आज जारी घोषणा पत्र के बारे में भी विस्तार से जानकारी देते हुए इसे किसान हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि किसानों का बिल माफ करना कांग्रेस की प्राथमिकताओं में शुमार है, साथ ही साथ बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना कांग्रेस की प्राथमिकता है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया। कहा कि पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था तो उसमें एक भी किए गए वायदे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने। जब सरकारी संस्थान रह जाएंगे, जो मौजूदा योगी मोदी सरकार है ये टुकड़ों में हिंदुस्तान को बेच रही है। हमने गारंटी दी है कि हम इसे रोकेंगे और जब हम आएंगे तो पुनर्निर्माण इनका करेंगे, पुनर्स्थापित करेंगे। तो अगर आप देखें तो एक सुखी संपन्न सुरक्षित सर्वांगीण विकास की गारंटी प्रियंका गांधी द्वारा जारी किया गया, ये हमारा उन्नति विधान जन घोषणा पत्र है। और एक बात और कह दूं, जो पिछला संकल्प पत्र आया था भाजपा का, वो मैं कह सकता हूँ झूठ का पुलिंदा था, और इसीलिए जो अब आया है इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। स्कूटी देने का वादा किया। प्रियंका गांधी जिस राह पे चल पड़ी हैं, बहुत लोगों ने वादे बहुत से कर लिए हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, 5 साल तो आपकी सरकार थी, आपको स्कूटी देने से रोका किसने थी? ये अकल तभी आई आपको जब प्रियंका गांधी ने घोषणा कर दी। सर, प्रतापगढ़ जिले जारी हुआ है, क्या है घोषणा पत्र में प्रमुख बिंदु? परम श्रद्धेय हमारी महासचिव प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने अभी कुछ देर पहले जो घोषणा पत्र जारी किया है, जिसको हमने नाम दिया है उन्नति विधान जन घोषणा पत्र, ये उत्तर प्रदेश के विकास के गारंटी का दस्तावेज है। इसमें किसानों के कर्जे को 10 दिनों के अंदर माफ करने का प्रावधान है। इसमें बड़ा स्पष्ट है कि हम छोटा जानवर से मुक्ति दिलाएंगे किसानों को, और कैसे दिलाएंगे वो भी उसमें बहुत स्पष्ट है। उसमें भी बहुत स्पष्ट है कि क्या प्रक्रिया करेंगे, गोबर खरीदेंगे, 500 रुपए देंगे जो जानवरों के लिए है, ये बिल्कुल छत्तीसगढ़ में ये हमने करके दिखाया भी है। इसी तरह लड़कियों को स्कूटी देना, लड़कियों को मोबाइल देना, इन सब के अलावा शिक्षकों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए जिस तरह 20 लाख नौकरी की बेरोजगारों की हमने बात की है, तो सब विस्तृत रूप से जो बर्बाद किया है 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी, उसका पुनर्निर्माण उत्तर प्रदेश का करने वाला ये दस्तावेज है। और इस दस्तावेज को मैं यही कह सकता हूँ, ये उत्तर प्रदेश के विकास की गारंटी है, सर्वांगीण विकास की। और खास तौर से जो 50% आबादी महिलाओं की है या 62% से 65% के बीच में युवा हैं, और किसान जो 2.5 करोड़ परिवार है, वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता पे है। निर्णय होता है वो तो निर्भर करेगा देने वाले पर, लेने वाले पे, तो वो तो बाद में बात होगी। मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे भी आखिरी दिन बात हुई, और चूंकि वहाँ अंतिम दिन अभी 1 सप्ताह दूर है, तो इस पर हमें इंतजार करिए, देंगे कि नहीं देंगे तो तब मालूम होगा। सर, आने वाले चुनाव में भी ये जब रिजल्ट आएगा, और सपा और कांग्रेस के गठबंधन के रूप में भी ये दिख सकता है जो भाईचारा चल रहा है? देखिए, प्रियंका गांधी ने स्पष्ट कर दिया है आज से 10 दिन पहले कि हम चुनाव
लड़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। जब ऐसी संभावनाएं आएंगी तो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, क्योंकि 5 साल उन्होंने प्रदेश को बर्बाद किया, देश के ताने बाने को तोड़ा, देश के धार्मिक सौहार्द को तोड़ा, तो उससे नौजवानों की नौकरी, रोजगार छीना, किसान बर्बाद किया, तो उसे रोकने के लिए हमारे दरवाजे खुले। घोषणा पत्र में पत्रकारों के हित व सुरक्षा के लिए भी कोई बात कही गई? व्यापक रूप से है कि लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र के लिए तमाम बातें हैं, तो उसमें पत्रकारों के बगैर लोकतंत्र तो पूरा नहीं होता। इसको विस्तृत रूप से आप पढ़ लीजिए। समझ खबर।